हेलो भाई जी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए आए हैं मैथ में क्लास 12 एक्सरसाइज 3.2 सम नंबर सेकंड। इफ ए इज इक्वल टू 423157 एंड बी इज इक्वल टू 137041, ठीक है, देन फाइंड 2a प्लस का b। अगर बच्चों हमें ये मैट्रिक्स गिवन है ना, तो हमें इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। 2a प्लस का b की वैल्यू जो होगी ना, वो क्या होगी बच्चों? तो इसमें बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले हमने बनाने की तो 2a बनाना है, मतलब हमें a को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर जो मैट्रिक्स बनेगी ना, उसको उसमें भी ऐड करना है। उस तरीके से जो आंसर आएगा बच्चों, वो क्या आंसर आएगा, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई ऑफ a मल्टीप्लाई ऑफ a बाय 2। भाई a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो क्या बनेगा? वो बन जाएगा बच्चों 2a। क्या बन जाएगा? 2a इज इक्वल टू, मैं 2 बाहर रहेगा, 4 नुक्का नु, 1 नुक्का नु, 2 नुक्का नु, 5 नुक्का नु, 3 7। इस तरीके से बच्चों ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब बच्चों हम 2 को ना अंदर ले जाएंगे। किस तरीके से बच्चों? 2 4 कितने होते हैं 8, 2 4 8, 2 2 कितना होता है 4। मतलब अंदर ले जाने का मतलब बच्चों कि 2 की बच्चों हर एंट्री के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 3 कितना 6, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14। इस तरीके से बच्चों एंट्रीज की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब हमें ये जो निकाला ना, क्या निकाला बच्चों? 2a प्लस का 2a निकाल दिया बच्चों हमने। अब हमने निकालना क्या है? अब निकालना है 2a प्लस का b, 2a प्लस का b। जो 2a मैट्रिक्स बना बच्चों, ये बना है, सबसे पहले मैं 2a की वैल्यू रख दूंगा। मतलब ये वैल्यू रखी जाएगी, क्या रखी जाएगी? 8 4 6 2 10 14। इस तरीके से बच्चों वैल्यू रख देंगे, बीच में आएगा प्लस, एंड b की वैल्यू जो है ना, b की वैल्यू ये बच्चों, ठीक है। तो 1 0 1 0 3 4 7 1, इस तरीके से बच्चों हमने वैल्यू रख देनी है। बाद में बच्चों इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। ऐड बच्चों किस तरीके से करेंगे? आपको पता है हर एंट्रीज में क्रोस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करेंगे। तो 8 में 1 ऐड हो जाएगा, तो 8 प्लस 1 लिखा जाएगा, 4 में 3 ऐड हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 लिखा जाएगा, 6 में 7 ऐड हो जाएगा, 6 प्लस 7 लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों बनाएगा 2 में 0 ऐड करना था, 2 प्लस 0, 10 प्लस का 4 लिखाना है, 14 प्लस का 1 लिखना है। इस तरीके से बच्चों एंट्रीज को ऐड कर देना। 8 में 1 ऐड करने पर कितना आया? ये बच्चों 9 आया, 2 ये वाला 2 आया, ये बच्चों 4 और 3 कितना 7 आया, 10 और 4 कितना 14 आया, ठीक है, 6 और 7 13 आया, और 14 में 1 जोड़ दिया तो कितना आया बच्चों? 15 आया। जो बना बच्चों ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। इसका आंसर बच्चों इस तरीके से आया होगा। तो बच्चों इस सवाल को इस तरीके से करना था। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।